डिजिटल लाइब्रेरी, देश की पहली एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका आगाज दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने शिखर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 22 फरवरी 2012 को इसका आगाज किया। यहाँ सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है बल्कि देश की नामी ग्रामी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मौजूद अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम की फ्री तैयारी कराई जाती है और यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल तैयारी के लिए आते हैं और अपनी मंजिल हासिल कर पाते हैं। आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर, मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज की टीम पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी आई हुई है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो तीसरी लाइब्रेरी है और हमारे साथ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर नदीम अख्तर साहब हैं। नदीम अख्तर साहब, आप पूरा ओखला आपको जानता है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लाइब्रेरी पर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, और ये तीसरी लाइब्रेरी से हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनको इस लाइब्रेरी के बारे में जो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन के ऊपर है। शुक्रिया सर। पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी 22 फरवरी 2012 में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, अब इसके हम 10 साल आज पूरे कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जब दिल्ली पुलिस ने ये अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, अजय चौधरी साहब ने इसको लॉन्च किया था, तो उसमें हमको ये बुला के प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको इसको चलाना है, तो ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात थी और इलाके में जो उस वक्त ज़रूरत थी बच्चों के लाइब्रेरी की वो हम पूरी कर पा रहे थे। आज हम ये देखते हैं कि ये लंबा सफ़र जो 10 साल का है वो हमने पूरा किया है और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं हम, कि हम जो बच्चों की नीड थी हम उसको पूरा कर पाएँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिल्ली के बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं और इसकी सक्सेस ये है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि अब इस वक्त ऑल इंडिया लेवल पर जो पुलिस है वो इस प्रोजेक्ट को देख रही है कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोजेक्ट के हिसाब से। और आज हम 10 साल पूरे करने में 3 लाख बेनिफिशरीज इस लाइब्रेरी के हो गए। अगर लाइब्रेरी चलती है, लाइब्रेरी के साथ साथ हम लोगों ने आउटरीच प्रोग्राम भी शुरू किए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को जो दिल्ली पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, उनके जो बीच में गैप है, वो ये लाइब्रेरी पूरा करती है और हमें खुशी है कि हम इस काम में बहुत ज़्यादा कुशलता के साथ और इसकी तरक्की को देखते हुए हमने इसके टारगेट को अचीव किया है। ये लाइब्रेरी पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर बनाई गई है जिसका एक खास मकसद है और वो ये है कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान की दूरी को कम किया जा सके। आमतौर पर पुलिस और पब्लिक के बीच एक गहरी खाई देखी जाती है और इसी खाई को भरने के लिए ये जरूरत महसूस हुई कि पढ़ाई को जरिया बनाकर पुलिस और पब्लिक को करीब लाया जाए। ये दिल्ली पुलिस का जो इनिशिएटिव है, ये स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। और यहाँ पे लोग जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, इंक्लूडिंग UPSC एंड स्टेट PCS। इसी सोच के साथ उस वक्त के मौजूदा DCP अजय चौधरी ने शिखर ऑर्गेनाइजेशन के CEO नदीम अख्तर को इस लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी दी और उसी का नतीजा है कि आज ये लाइब्रेरी एक कामयाब लाइब्रेरी के तौर पर अपने 10 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस लाइब्रेरी ने न सिर्फ पब्लिक और पुलिस की नजदीकियां बढ़ाई बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देकर यूथ को पढ़ने के लिए एक माहौल दिया। लोगों को बताने की कोशिश की गई कि पुलिस से डरना नहीं है बल्कि उनसे जुड़कर माशरे के लिए काम करना है। बात अगर दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी की सुविधाओं की करें तो बढ़ते वक्त के साथ इसकी तमाम सुविधाएं एडवांस हो रही हैं। जामिया नगर, RK पुरम और ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में बनाई गई इन लाइब्रेरीज में स्मार्ट क्लासेस बनाई गई, 100 से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए जगह दी गई, काउंसलिंग रूम से लेकर कंप्यूटर और 10-15 तरह के अखबारों को पढ़ने की सुविधा दी गई और साथ में सुकून से बैठकर पढ़ने के लिए एयर कंडीशन रीडिंग हॉल्स भी बनाए गए और ये सब कुछ किया गया पब्लिक के लिए। आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली पुलिस की लाइब्रेरी में जो जामिया नगर ओखला में है। हजारों बच्चों को इस लाइब्रेरी से फायदा हुआ है। हम उनकी कोऑर्डिनेटर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आखिर टाइमिंग क्या है, इस लाइब्रेरी को कितने बच्चे आते हैं, किस तरह से बच्चे फायदा उठा रहे हैं इस लाइब्रेरी का। मैम, इस लाइब्रेरी का टाइमिंग आप बताइए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, बच्चे हैं जो इस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक है और किस तरह से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं।
टाइमिंग सर इसकी सुबह 9 बजे से 8 बजे तक की है और यहाँ हर टाइप के बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं है, वो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ पर लड़कियाँ भी आती हैं, किस तरह से बच्चे आपसे बातचीत करती होंगी, आप यहाँ पर बैठती हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस का बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, हज़ारों बच्चे यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए, मैं भी इससे जुड़ा रहा और कहीं ना कहीं बच्चों का दर्द हमने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लासेस भी लेता हूँ, पढ़ाता भी हूँ 2 महीने, बहुत दर्द। जैसे पेंटर किसी के फादर हैं, किसी के बच्चे फादर जो हैं वो सब्जियाँ बेचते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर आकर पढ़े हैं। आप क्या देख रही हैं अभी के वक्त में, क्या हालात हैं? क्योंकि एंट्रेंस के वक्त में हम देखते हैं अभी किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, क्या बताते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में, वो हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए। सर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है यहाँ पर, वो ज़्यादा बच्चे आते हैं उस टाइप से, और लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ पर आकर बहुत सेफ फील करती हैं पुलिस के अंडर में रह के, तो उनको एनवायरमेंट अच्छा मिलता है, पीसफुल एनवायरमेंट होता है यहाँ पे। बात अगर दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी की दीगर खूबियों की जाए तो इसके ताल्लुक से महिलाओं के लिए, लोगों में लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए और तो और रोजगार से जुड़े कई ऐसे प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। समाज का कोई वर्ग वंचित न रह जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने आउटरीच प्रोग्राम की भी शुरुआत की। इनमें से एक है प्रोजेक्ट शी टू शक्ति, जिसका मकसद है क्लास 6 से 12 तक की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स को अलग अलग सोशल प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें अवेयर करना। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है उम्दा एकेडमी ऑफ एजुकेशन आर्ट एंड कल्चर, इसका मकसद स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों और औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उन्हें एम्पावर करना। दिल्ली पुलिस की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है कि इस लाइब्रेरी के लिए दिल्ली पुलिस को एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सीलेंस अवार्ड, इनोवेशन इन एजुकेशन अवार्ड जैसे न जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड्स यूं ही नहीं मिले, ये अवार्ड्स इसलिए दिए गए क्योंकि दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से बच्चों ने अपने सपने की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब पूरा किया। वो होनहार स्टूडेंट्स जो कोचिंग की महंगी फीस नहीं भर सकते, दिल्ली पुलिस की इस पहल ने उन्हें मौका दिया कि वो अपने आप को साबित कर सके। आपको बताते चलें कि आज के वक्त में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में एंट्रेंस की तैयारी के लिए 30,000 से 35,000 की फीस वसूली जाती है। ये शिखर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि जब से ये CSR सपोर्ट को मैंडेटरी किया गया है कि कॉरपोरेट्स को ये कहा गया है कि अपना जो प्रॉफिट है उसका एक परसेंटेज निश्चित तौर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो सोसाइटी को सपोर्ट करता है उन कामों में लगाएंगे, और इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया राइट टू एजुकेशन का। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसमें पुलिस का रोल कहीं पे भी देखें तो पुलिस ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज, और कम्युनिटी पुलिसिंग की जहाँ तक बात है तो दिल्ली पुलिस का पूरी देश में नहीं दुनिया में नाम है। यहाँ हम लोगों के बहुत इनिशिएटिव होते हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस और शिखर का ये ऑब्जेक्टिव जो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से अचीव हुआ है, जहाँ पे ये बच्चियाँ आती हैं, बच्चे इलाके के आते हैं और जिस बेझिझकी से और जिस बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के पुलिस स्टेशन में आते हैं तो ये, और पढ़ाई करते हैं, एक अच्छा उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है। देखिए, जैसे मैं एक बार बोला था कि आप पुलिस को लोग मोहब्बत, पुलिस को लोग मुसीबत में, जरूरत में याद करते हैं, लेकिन कभी कभी मोहब्बत में भी याद कर लिया करें। आज उसी मोहब्बत का संदेश लेकर के जब सांता क्लॉज क्रिसमस के शुभ अवसर पर बच्चों ने हमें बुलाया, तो सांता क्लॉज के रूप में हालांकि सर पे हमारा लाल टोपी नहीं है जिस तरह से टोपी पहने हैं, लेकिन हम वही टोपी कानून का रक्षा का टोपी पहन करके यहाँ पर जो दोस्त बन करके आए हैं, और हम चाहते हैं कि इसी मोहब्बत का वातावरण यहाँ पर रहे, माहौल मोहब्बत का ही रहे और बच्चों का दोस्त बन करके, लोगों का दोस्त बन करके पुलिस का परिचय इसी तरह से बरकरार रहे। 2014 के तीसरे बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने मास मीडिया के लिए तैयारी की थी तो मेरा क्लियर हो गया था, और वो क्लियर सिर्फ और सिर्फ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी ही नहीं, उसमें प्लाज्मा के हेड रिजवान सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने जो बच्चों को सिर्फ यही नहीं अपनी कोचिंग में भी अलग से बुला के 2-3 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, नोट्स बच्चों को देते हैं, बहुत अच्छी जो उनकी पढ़ाने का तरीका है, मैंने शायद अपनी लाइफ में आज तक ही इतना जुनूनी टीचर कभी देखा होगा।
लेकिन दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी ने अब तक 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मुफ्त कोचिंग देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। ये दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी वर्ल्ड की पहली डिजिटल और ऐसी लाइब्रेरी है जो पुलिस स्टेशन के अंदर चलाई जा रही है। मैं इस क्लासरूम को देख रहा था कि बहुत शानदार तरीके से इस क्लासरूम, जो नया क्लासरूम बच्चों के लिए आपने बनाया उकला बिहार में, मैं चाहूँगा कि इधर के विजुअल्स दिखाए जाए। बड़ा इस तरह से जो चेंजेस आप लाए हैं, पूरा क्लासरूम कैमरा और इंटरनेट से लैस कर दिया आपने, तो वो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं यहाँ पे? सर देखिए, जब लाइब्रेरी शुरू की थी तो एक बहुत छोटे से कमरे में थी, पुलिस स्टेशन जामिया नगर में। तो जैसे जैसे लाइब्रेरी बढ़ती गई तो हमने इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो चेंज किया और वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी को और डिजिटल लाइब्रेरी का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप किया। पुलिस में जो है देवेश चंद श्रीवास्तव साहब और प्रवीण रंजन साहब का जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा काम जामिया नगर पुलिस स्टेशन में चल रहा है तो क्यों ना इसको बहुत अच्छे स्तर पर किया जाए। उसके बाद इसको फंडिंग के लिए ONGC से कनेक्ट किया गया, BSES से किया गया और गेल जो कि इस लाइब्रेरी को हमने तीसरी लाइब्रेरी बनाई, तो उसकी उसमें फ़ायदा यह हुआ कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आ गई, पुलिस पब्लिक और पार्टनरशिप। तो उस पार्टनरशिप के अंतर्गत हमने डिजिटल लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करी और वर्ल्ड क्लास करी। अगर आप इसका इंटीरियर देख रहे हैं, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, ये बहुत हाई क्लास है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप, मैं देख रहा हूँ, मैं अगर थोड़ा सा इधर चलूँ आपके साथ, UPSC के बच्चे भी यहाँ पर, हमें मालूम हुआ कि UPSC के बच्चों के लिए ये एरिया बनाया गया, बड़ा शानदार लगा मुझे ये एरिया। तो इस एरिया के बारे में जो जैसे आपने डेवलप किया हो, किस कॉन्सेप्ट पर इसको डेवलप किया गया है ये पूरे रूम को, उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले लाइब्रेरीज थी उसमें कॉमन एरिया था, उसमें सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पर किसी के आने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे इलाके के बच्चे या जो भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो कहीं भी किसी कोने से आ सकते हैं। तो UPSC के जो बच्चे थे इनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए एकांत चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है, ताकि ये अपना पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ। तो इसलिए हमने जब हमारी ये नई लाइब्रेरी बनी उकला विहार मेट्रो स्टेशन पर, तो हमने एक सेक्शन रखा है जिसमें 25 बच्चे सिर्फ UPSC या जो ग्रेजुएशन लेवल के हायर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके बच्चे हम तैयारी करवा पाएँ। तो एक अलग से एक सेपरेट सेक्शन दिया है, इसमें जो किताबें हैं, इनका जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें वो इन्हीं के हिसाब से हम लोग। बिल्कुल, बड़ा शानदार। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक देख रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से देख पाएं, ये पूरा एरिया बड़ा शानदार। आप ये कह सकते हैं कि मुझे ओखला में तो इस तरह की लाइब्रेरी नहीं दिखेगी, और जिस तरह से हमने और भी लाइब्रेरीज आपको घुमाया है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बच्चे हैं या किसी भी टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे जो तैयारी करें उनके लिए एकदम सेपरेट रूम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, जो हम लोग कहते हैं दिल की पुलिस, ये बच्चों के लिए बहुत शानदार इनिशिएटिव है। ओखला वालों को नया तोहफा मिला है, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी ओखला बिहार पुलिस स्टेशन के ऊपर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं सहला निगार मैम है, DD न्यूज़ के एंकर हैं। आज पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी इन्होंने आज विजिट किया, बच्चों से मिली, गर्ल्स के बैच से इंट्रैक्शन सेशन किया। मैम, आपने बहुत कीमती वक्त दिया आज हमारे साथ, आप रही हमारे नए पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में, कैसा लगा आपको देखकर? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, बहुत खुशी हुई कि लड़कियां जो हैं यहां पर बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और इनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये जज्बा चाहे आपकी जो आपने जिस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दिया है उससे आया है, हर इन बच्चियों में है कि ये कुछ बदल सकते हैं, बस ज़रूरत है इन्हें मौका मिलने की, और वो मौका आप लोग दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में एक नया बदलाव देखने को मिले। ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी एक क्रेडिबिलिटी, एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान के लिए। वक्त आ गया है महिलाओं को आज़ाद करने का, और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। लगातार अब इसी इलाके ओखला इलाके की सारी लड़कियां हैं, आज देखिए कितनी खुशी है इनके चेहरों पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी शिखर NGO द्वारा और पुलिस पब्लिक द्वारा दिया गया है, ताकि इतने बड़े पैमाने पर इस लाइब्रेरी में अगर बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर पढ़ाई हो रही है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैम, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, मैं ओखला वालों के लिए इस लाइब्रेरी को लेकर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज चाहता हूं आपके द्वारा। मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूंगी पेरेंट्स को कि बेटियां आपकी किसी से कमतर नहीं हैं, अपनी बेटियों की इनर क्वालिटी को समझिए, उसे पहचानिए, उनके पंखों को खोलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। आप उनको बांधिए नहीं, आप उन्हें खुला छोड़ के देखिए, फिर वो क्या तब्दीली लाती हैं ये खुद आप देखेंगे। लगातार पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं, ये भीड़ ये साबित कर रही है कि बेहतरीन क्वालिटी पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।